ब्यावर की एक स्कूल की प्रधानाचार्य ने बच्चों को नहीं खिलाया पोषाहार, नोटिस हुआ जारी। राज्य सरकार के बिना आदेशों के स्कूल में नहीं दिया पोषाहार। ब्यावर की एक स्कूल में बिना इजाजत के एक प्रिंसिपल ने स्कूल के बच्चों को 8 दिनों तक पोषाहार नहीं खिलाया। ये मामला 2017 का है। इस मामले में क्षेत्र की निवासी शिकायतकर्ता डॉक्टर संत कुमार द्वारा कलेक्टर को जानकारी दी गई थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच करवाई और इस मामले में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया, जिसके बाद प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर दिया गया है। कम समय में पूरी बात। हाँ सर, क्या मामला था? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा अतीतमंड स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ने बिना किसी उच्च अधिकारियों के विद्यालय में आने वाले बच्चों को 8 दिन तक पोषाहार नहीं खिलाया। वो गांव पिछड़ा हुआ है और वहां की स्थिति सही नहीं है, फिर भी बच्चे 8 दिन तक भूखे रहे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को की गई और जिला कलेक्टर महोदय के आदेश पर जाँच हुई। ब्यावर के ब्लॉक लेवल अधिकारी ने जाँच करी और जाँच करने पर उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि SDMC से परमिशन ले ली गई थी, इसी कारण से पोषाहार नहीं पकाया गया। मेरे द्वारा आपत्ति की गई कि SDMC से बैकडेट में परमिशन ली गई है और ये SDMC स्कूल नहीं चलाती, स्कूल राज्य सरकार के आदेशों से चलता है और राज्य सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ है। इसकी पुनः जाँच हुई और जिला शिक्षा महोदय के द्वारा जाँच की गई और जाँच के अंदर प्रिंसिपल दोषी पाई गई, जिसको यहाँ पर 17 CC का नोटिस जारी करने के आदेश हुए। मामला 2017 का है और मैं शिकायत करता डॉक्टर संत कुमार।